नमस्कार, मेरा नाम है साजिब और आप देखना शुरू कर चुके हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज नेशन। देखिए, आज मैं सवाल पूछने आया, सवाल वो पूछने आया हूं कि आखिर मदरसाओं का सर्वे क्यों। आखिर देखिए, मदरसा का सर्वे करा रहे हैं ये, इसमें कोई गलत नहीं, आप कराइए, सर्वे कराइए, क्योंकि जातीय जनगणना तो आपसे होता नहीं है, तो मदरसाओं का सर्वे कराइए, अच्छी बात है, जानकारी लीजिए। लेकिन अब जो है, देखिए कि मदरसा को लेकर के जैसे उत्तर प्रदेश की सरकार ने मदरसों पर जो है सर्वे का जो अभी लाया है कि सर्वे कराना है मदरसे का, इसकी चर्चा तमाम भाजपा शासित राज्यों में जो है अब इसकी हनक देखने को कहीं ना कहीं मिल रही। और मदरसाओं का सर्वे कराने की जहां तक बात है, तो सर्वे कराने पर सवाल हम नहीं पूछेंगे, क्योंकि अच्छी बात है, सर्वे कराइए। लेकिन सवाल जो ये उठता है, भाजपा का जो बयान है वो जानना चाहती है कि इतने इतने बच्चे जो पढ़ते हैं, इनकी फंडिंग जो है वो कहां से आती है। देखिए, मुस्लिम समुदाय में जो है, इस्लाम में एक प्रथा है जकात, तो जकात में जो है मुस्लिम समुदाय के लोगों को अपने कमाई का जो है 25% सालाना कमाई का, वो जकात के तौर पर गरीबों को या फिर मदरसाओं को देना पड़ता, और चंदे के पैसे से ये मदरसा चलते। देखिए, किसी तरीके से अगर कोई व्यक्ति जो है वो मूंगफली बेच रहा है, कोई व्यक्ति अगर सब्जी विक्रेता है, कोई व्यक्ति अगर जूते साफ कर रहा है, तो उसकी इतनी औकात नहीं होती कि महंगे महंगे कॉन्वेंट स्कूलों में अपने बच्चे को पढ़ा। तो कम से कम मदरसाओं में जकात और चंदे के पैसे से चंद जो है थोड़ी सी तालीम जो वो हासिल कर लेता था, वो भी अब भाजपा को कहीं ना कहीं खलने लगा, और भाजपा चाहती है कि इन मदरसाओं का सर्वे कराए। भाजपा ने जो कहा उस पर तमाम जो है मौलाना जो है वो उनके विरोध में आ गए, और उन्होंने सरकार की नियत पे जो है शक जताया, और भला शक जताए भी क्यों ना, इसके पीछे का भी कारण है कि देश में जितने भी तमाम बलात्कारी बाबाएं हैं जिन्होंने अपना धंधा चलाया है धर्म के नाम पर, चाहे आसाराम हो, चाहे राम रहीम हो, और कुछ तो भाजपा के नेता ही हैं जो अपने आप को जो है यहाँ पर बाबा बताया करते थे, उन पर कई तरह के आरोप है, कई तो फरार भी चल रहे हैं, लेकिन उनके आश्रमों का जो है सर्वे क्यों नहीं कराया जा रहा, सिर्फ मदरसाओं का सर्वे क्यों कराया जा रहा। सवाल ये उठता है कि आखिर मदरसाओं को एक समुदाय को टारगेट क्यों किया जा रहा है। ये बात कहीं ना कहीं सच है कि देखिए, मदरसाओं में जो है आतंकवादी कनेक्शन ज्यादा देखने को मिलता है, आतंकवादी जो संगठन से जुड़े लोग हैं वो ज्यादा जो है देखने को मिलते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है तमाम मदरसाओं पर ही जो है गाज गिराने का। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कुल 16,000 मान्यता प्राप्त मदरसाएं, जिसमें जो है लगभग 8,000 जो है उन्हें थोड़ी सी सरकारी सहायता मिलती है, उससे चलते हैं, और बाकी जो है जकात और चंदों के पैसे से चलते हैं। इन मदरसाओं में 20 लाख गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, सरकार उनका जायजा लेने नहीं जाते कि उनका घर कहां से चल रहा है, उनके घर में रिज़्क, उनके घर में आमदनी की जो है क्या, किस तरीके से उनके घर में आमदनी हो रही है, लेकिन उनके बच्चे तालीम ले रहे हैं ये सरकार को नागवारा गुजर रहा है। अगर सरकार को सर्वे करना ही है तो उन सब बच्चों का करे कि उन सब बच्चों के माता पिता क्या करते हैं, उनके घर में खाने पीने का सामान कहाँ से आता है, उनके घर में जो है उनका रोजमर्रा की चीजें कैसे पूरी होती है, आमदनी का क्या साधन है उन्हें, उनकी उनका जो समस्या है उनका समाधान किया जाए। लेकिन नहीं, ये सरकार की जो दोहरी नीति है ये कहीं ना कहीं मदरसाओं के मौलाना को साफ नजर आ चुकी है, इस वजह से उन्होंने सरकार की नीयत पर शक जताते हुए इस सर्वे का कहीं ना कहीं विरोध किया। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में आगे और चल के क्या कुछ होता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, तब तक के लिए बने रहे और देखते रहे नेक्स्ट नाइन न्यूज नेशन। धन्यवाद।